रही हो परी? मेरा बाप बहुत क्रिएटिव है। तो क्या करना है? वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है दीदी की रेसिपी में। आज हम बनाएंगे सबसे फेमस वड़ा पाव मुंबई का। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है, तो मैंने एक कप बेसन ले लिया है, ये तकरीबन पाव किलो के बराबर है। अब यहाँ पे मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और मैं इसमें कुछ भी नहीं मिलाऊंगी कि हम पानी डालेंगे और इसका अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे। तो हमें पानी थोड़ा थोड़ा डालना है और इसका अच्छा सा घोल बना लेना है। यहाँ पे मैं सबसे पहले घोल बना रही हूँ ताकि ये बेसन हमारा रेस्ट भी कर ले थोड़ा सा। तो हमें ज्यादा पतला न ज्यादा मोटा करना है। यहाँ पे मैंने देखिए सोडा हल्दी कुछ भी नहीं डाला है, ये हमारा नॉर्मल सा बेसन है। तो एक दो मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसमें की गुठलियां खत्म हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। ये घोल रेडी हो चुका है, न ज्यादा मोटा न ज्यादा पतला, ये देख लीजिए। ऐसे ही रखना है आपको भी। इसे रख देते हैं 5 मिनट के लिए साइड में। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने लहसुन और मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी जितना तीखा खाते हैं, और उसी में अदरक, इसका मैं दरदरा पेस्ट बनाने वाली हूँ। तो चलिए पेस्ट बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। अब फ्रेंड्स, हम एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल, इसमें हम डालेंगे पचफोरन को हम लाल होने देंगे, इसी में डाल देंगे कड़ी पत्ता, अच्छे से चटक आने देंगे। इसके बाद हम डालेंगे हमारा कुटा हुआ मसाला, यानी अदरक लहसुन मिर्ची, तो हल्का सा इन्हें भून लेंगे हम। हमारा मसाला भून चुका है, इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, गैस का फ्लेम धीमे रखेंगे और हल्दी डाल देंगे। और इसे डालने के बाद ये फोड़ा हुआ हम आलू डालेंगे। तो आलू को हाथों से मैंने फोड़ा है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिला लेना है।
लड्डू का आकार का हमें बनाने के बाद हल्का सा इसे जेंटली प्रेस कर देना है इस तरह से। तो अब वड़ा पाव के लिए पहले चटनी बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हरी चटनी बनाने के लिए मैंने क्या इंग्रेडिएंट्स लिया है। हमने यहाँ पे कच्चा नारियल, हरी मिर्ची, लहसुन, धनिया, पुदीना। तो चलिए इसका फाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो इसी ब्लेंडिंग जार में मैं डालूंगी धनिया, हमारी सहेली, और इसमें डालूंगी पुदीना, और मैं इसमें डाल दूंगी ये लहसुन और हरी मिर्च। तो चटनी तो बननी चाहिए मजेदार, वड़ा कैसा भी बने लेकिन चटनी रहनी चाहिए एकदम टेस्टी। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाल देंगे, नमक हल्का ही रखूंगी मैं। थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं अंदर और फिर इसे पीस लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हरी चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। तो फटाफट वड़े तल लेते, इंतजार नहीं हो रहा है। चटनी हमारी रेडी हो चुकी है क्योंकि तेल को अच्छे से गरम कर लेना है फ्रेंड्स, तेल ठंडा नहीं रहना चाहिए। तो हमारा बेसन और वड़ा तैयार है फ्राई होने के लिए, बस तेल गरम हो जाए। चेक कर लेते हैं तेल गरम है कि नहीं। तो तेल गरम है। अब यहाँ से बेसन ले लिया है, इसमें डालेंगे वड़े इस तरह से और अच्छे से कोट कर लेंगे बेसन से। ये देखिए, वड़ों को लेना है, बेसन में डिप करना है और कढ़ाई में छोड़ देना है। इसी तरह से सभी वड़ों को डाल देना है। तो ये देखिए, वड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो इसे मैं निकाल ले रही हूँ एक प्लेट में। ये देखिए कितना मस्त बना है, मार्केट जैसा। तो तेल को थोड़ा झटक लेते हैं। तो ये देखिए, वड़े हमारे रेडी हैं। तो इसी तरह से सभी हम फ्राई कर लेंगे। तो वड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, फटाफट चटनी के साथ सर्व। देखिए दोस्तों, वड़ा पाव हमारा रेडी हो चुका है, साथ ही दो दो चटनी है, हरी चटनी, सूखी चटनी। अब फटाफट सर्व करना है हमें, खाने के लिए आप लोग भी आ जाइए। ये देखिए, लग रहा है ना मार्केट जैसा। मार्केट जाने की आपको जरूरत नहीं है, सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस वड़ा पाव रेडी है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक सर्व कर रही हूँ। तो पाव को बीच से फाड़ लेना है, उस पे लगाना है हरी चटनी, इस तरह से फैला लेना है। और साथ ही में मैं इस साइड लगा रही हूँ सूखी चटनी। मुझे सूखी चटनी फ्रेंड्स बहुत पसंद है, जैसे ही हरी चटनी पसंद है। वीडियो के अनुसार आप भी बना लीजिए और इसे रख लीजिए अपने पास। और फिर एक वड़ा लेना है इस तरह से और इसे खा लेना है। ये देखिए कितना मस्त बना है, और साथ ही साथ हरी मिर्ची। तो वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना है। ये देखिए, तो वड़ा पाव रेडी है। तो खाने के लिए आप लोग भी आ जाइए। दीदी की रेसिपी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।